अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ रेहानू और आज का ये जो व्लॉग मैंने बनाया हुआ है ये पिछले व्लॉग का पार्ट सेकंड है। तो अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा हो तो ये वीडियो स्किप करके वो व्लॉग पहले देख ले, फिर बाद में आए यहाँ। यार मुझे कुछ ख़ास बातें तो नहीं आती कि मैं आप लोगों को उस तरह का मतलब कि उस तरह की बातें करूँ के सीन्स अभी कुछ ऐसे है और ये वो, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को कुछ दिखा दूँ जो अपनी निगाहों से देखता हूँ, तो वो सब कुछ आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो बस यार दिल में ये अरमान है कि मैं जिस जगह भी जाऊँ वो लोगों के साथ भी वो जगह शेयर करूँ। तो अगर पसंद आए तो यार आप लोगों की सपोर्ट से मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि आज मैं यह कैमरा लिए यहाँ खड़ा हूँ और आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ। यार असल में मुझे रिस्क लेना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अक्सर अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाब भी कर देता है। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं इंशाल्लाह यहाँ इस दरिया में कैमरा लिए तैरूँगा, वहाँ स्विमिंग करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने करके दिखाया। तो अभी यहाँ ऊपर चढ़ेंगे तो शायद अल्लाह ताला मुझे इसमें भी कामयाब करे। तो अल्लाह करते हैं और आइए हमारे साथ। अच्छा तो उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारे आम के बागात हैं और ये देखो चोर यार। एक्चुअली यार ये व्लॉग में जब शूट कर रहा था तो मेरा जहन में कि ये स्क्रिप्ट बना हुआ था कि ये व्लॉग मैं ज़रा रिस्की बना लूँ। तो यहाँ से तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर चढ़ा, लेकिन जब उतर रहा था तो मेरे सारे पेशावरी चप्पल फट गए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा राइडिंग की है बाइक पे, लेकिन इस तरह के रास्ते मैंने कभी देखे भी नहीं थे। इतने सख्त और डेंजर रास्ते थे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही कहा कि मैं ये व्लॉग थोड़ा रिस्की बनाऊंगा, तो इसी वजह से थोड़ा रिस्क लेना पड़ा। और इससे पिछले व्लॉग में भी बहुत से रिस्क थे, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मुंडा के हेडवर्क से यहाँ से ही पानी का रफ्तार तेज और स्लो कराया जा सकता है। ये पानी कहाँ से आती है? ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये सारा डैम बन रहा है और ये पानी अभी हमारे एक फ्रेंड कह रहा है कि ये कहाँ से स्वात और दीर से इसका पानी आती है, कुमराट वाला पानी है, तो इसलिए तो इतना ठंडा पानी है। तो आप लोग भी यहाँ जरूर विजिट करना। अभी हमारे फ्रेंड ने कैमरा देख के कह रहा है कि आप वीडियो बनाए, मैं यहाँ से जंप लगाता हूँ यहाँ से। यार यहाँ इतना सफर करो, ये देख ले यार। वाह यार वेल डन, यार वेल डन। इसे कहते हैं स्विमिंग। जिंदाबाद। वाह यार वो आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा दिन। और तो हमारे कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि यहाँ कुछ कंडरात भी है, तो वो भी कुछ मनाजिर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो ये सारे कंडरात है यार, बहुत पुराने ज़माने के मतलब कि यहाँ पे पहले घर हुआ करते थे और अब सारे खाक में मिल गए हैं यार। तो ये भी देख ले, बहुत ही अमेजिंग जगह है ये भी।
ये अगर आप लोग भी आना चाहते हो यहाँ तो आप लोगों को ये मुंडा जो कि शबकदर से आधे घंटे के फासले पर आपको ये कंडरात भी मिल जाएंगे और ये दरिया भी आप लोगों को मिल जाएगा जो अभी मैंने आगे वाले सीन्स में मैंने दिखा पिछले वाले सीन्स में मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो ये देख ले यार, अभी हम यहाँ इस कंडरात में आए हुए हैं यहाँ फोटोग्राफी की, तो बहुत ही मज़ा आ गया यार। ये देख लो यार, बहुत ही डरावनी जगह है ये आप लोग देख सकोगे। तो मैं आप लोगों को सबर करो ये दिखाता हूँ, तो सबर करो यार, इस तरह मज़ा नहीं आता। तो कुछ गेम्स में मैं आप लोगों को दिखा दूँ, थोड़ा माहौल बना दूँ तो फिर मज़ा आएगा। और इस ट्रिप का इख्तिताम हमने तोरी कबाब हाउस में ही कर दिया। वहाँ से थोड़े से कबाब खा के फिर रवाना हुए अपने अपने घर। तो उम्मीद है यार आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा। और ये तो था हमारा आज का व्लॉग, और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये इंशाल्लाह हमारा अपकमिंग व्लॉग होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ी एडिटिंग वगैरह वगैरह बाकी है और कुछ शूट भी बाकी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे रेहान भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।